हेलो क्लास यूकेजी। यूकेजी में आज हम पढ़ेंगे क्रॉसवर्ड पज़ल। ये क्रॉसवर्ड पज़ल देखिए बच्चों, ये जैसे वर्ग पहेली होता है वैसे ही हमको यहाँ पर पिक्चर भी दिए हैं हिंट के लिए और लेटर लिखे भी गए हैं, तो उन लेटर को कंप्लीट करके हमको वर्ड बनाना है, शब्द बनाना है, और इसी को वर्ग पहेली कहते हैं। जो लेटर गायब होते हैं, जो लेटर मिस होते हैं, उनको हमको यहाँ पर फिल करना रहता है। तो देखते हैं क्या लिखा है। कंप्लीट ईच पजल बाय लुकिंग एट द पिक्चर्स। हर प्रत्येक मतलब ईच मिस होता है प्रत्येक या फिर सभी को कह सकते हैं। कंप्लीट ईट पजल, सभी प्रत्येक वर्ग पहेली को कंप्लीट करिए बाय लुकिंग एट द पिक्चर्स। पिक्चर देखने के द्वारा उसको जो है कंप्लीट करना है सारे पज़ल को। तो चलिए आपको हम बताते हैं कैसे इसको कंप्लीट हुआ। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला जो पज़ल है, सबसे पहला जो वर्ग पहेली है, इसमें बच्चों दो पिक्चर्स बने हुए हैं। कितने पिक्चर्स बने हैं बच्चों? टू। और आप सब LKG से ही पढ़ते आ रहे हैं। ये जो पहला पिक्चर है ये क्या है? सेम है, जो कि इसको बोलते हैं इंग्लिश में एप्पल। क्या बोलते हैं? एप्पल। फर्स्ट पिक्चर एप्पल है एंड सेकंड पिक्चर बिल्ली है। बिल्ली को बोलते हैं इंग्लिश में कैट। तो ये एप्पल है एंड कैट है। तो अब इन दोनों को हम मैच करके यहाँ पर एक जो है वर्ड कंप्लीट करेंगे, बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले पिक्चर है एप्पल। तो एप्पल की स्पेलिंग सबको पता होगी क्योंकि यह सब बच्चे LKG से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे? एप्पल की स्पेलिंग क्या होती है बच्चों? ए एंड पी पी तो लिखा ही है। तो ए पी पी के बाद और क्या नेक्स्ट लेटर कौन सा लेटर होता है? एल। क्या होता है लेटर? एल। तो क्या हो गया? ए पी पी एल ई एप्पल। एप्पल मीन्स सेब। ये तो हमारा फर्स्ट वर्ड कंप्लीट हो गया। और देखिए इसी के साथ साथ दूसरा वर्ड जो बिल्ली है, जो कैट का स्पेलिंग है, वो भी कंप्लीट हो गया। CAT कैट। कैट मीन्स बिल्ली। APPLE एप्पल। एप्पल मीन्स सेब। तो देखिए हमने यहाँ पर ए फिल कर दिया तो इसी से कैट भी बन गया और नीचे एप्पल भी बन गया। तो हमारा फर्स्ट पजल कंप्लीट हो गया। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड में कौन सा पिक्चर बना है बच्चों? ये है डॉग एंड नीचे का क्या बना है? इंक पॉट, जिसमें जो है इंक रखते हैं, स्याही रखते हैं। और ये कुत्ता है, कुत्ते को डॉग बोलते हैं और इसको इंक पॉट बोलते हैं। तो सबसे पहले जो पहला पिक्चर है उसको हम देखेंगे ध्यान से। ये पहला पिक्चर क्या बना है? डॉग बना है, कुत्ता बना है। और डॉग की स्पेलिंग क्या होती है? बहुत ही इजी, बहुत ही आसान है, सबको पता होगा। DOG क्या होता है बच्चों? DOG। ये देखिए DOG डॉग। डॉग मीन्स कुत्ता। हमारा फर्स्ट वर्ड कंप्लीट हो गया। और इसी के साथ साथ देखिए हमारा सेकेंड वर्ड भी कंप्लीट हो गया। INK इंक POT पॉट। इंक पॉट, पॉट मीन्स स्याही की दवात। तो जब हम पहला पिक्चर देखकर पहले वर्ड को कंप्लीट करते हैं तो उसी के साथ साथ में हमारा दूसरा वर्ड भी, दूसरा पिक्चर का वर्ड भी कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको इसको पढ़ने में बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, फिल करने में बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। तो चलिए नीचे देखते हैं, नीचे भी पिक्चर बने हैं। तो देखिए नीचे दो पिक्चर बने हैं। एंड जो फर्स्ट पिक्चर है, पहला पिक्चर है क्या है? आम है, मैंगो है। एंड सेकेंड क्या है? हेन है, मीन्स मुर्गी है। तो जो है मुर्गी को हेन बोलते हैं और आम को मैंगो बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब तो हमको पता नहीं है कि पहला पिक्चर कौन है, दूसरा पिक्चर कौन है। तो चलिए देखते हैं हम कि यहाँ पर ये जो राइट साइड में बना हुआ है, लेफ्ट साइड में बना हुआ क्या है? ये मैंगो। क्या बना है बच्चों? मैंगो। तो मैंगो की स्पेलिंग क्या होती है? मैन, MAN, मैन, GO, मैंगो। तो देखिए हमारा जब वन वर्ड कंप्लीट हो गया तो उसी के साथ साथ में हमारा सेकंड वर्ड भी कंप्लीट हो गया। MAN मैन, GO मैंगो। एंड ये देखिए HEN हैन, हैन मीन्स मुर्गी। हमारा वर्ड क्रॉस वर्ड कंप्लीट हो गया, ये हमारा पजल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एंड लास्ट भी है ही आपका, ये क्या है? शिप। क्या है बना है बच्चों? शिप। शिप मीन्स क्या होता है? जहाज। एंड नेक्स्ट पिक्चर क्या बना है? ये वॉच है जिसको हम लोग हाथ पर पहनते हैं, इसको क्या बोलते हैं? रिस्ट वॉच बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? रिस्ट वॉच। तो अभी देखिए दो पिक्चर बने हुए हैं, शिप एंड वॉच। तो अभी हमको क्या फील करना है यहाँ पर? देखिए शिप की स्पेलिंग क्या होती है बबच्चों? जो है शिप की स्पेलिंग क्या होती है? LKG में पढ़ाया गया था आपको SHIP। क्या हो गया? शिप।
शिप मीन्स होता है जहाज, एंड वॉच WATCH वॉच, वॉच मीन्स घड़ी। तो देखिए हमने यहाँ पर एच फिल किया और इसी से हमारा शिप भी वर्ड कंप्लीट हो गया एंड वॉच भी वर्ड कंप्लीट हो गया। तो एक लेटर के फिल करने से हमारा दो दो वर्ड यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। ऐसे हमने यहाँ भी देखिए एन लिखा था तो हमारा दो वर्ड कंप्लीट हो गया, हैन भी कंप्लीट हो गया और मैंगो भी कंप्लीट हो गया। ऐसे ऊपर के पिक्चर में देखें तो यहाँ पर हमने ओ लिखा था और ओ लिखने से इंकपॉट की भी स्पेलिंग कंप्लीट हो गई और डॉग की स्पेलिंग भी कंप्लीट हो गई। एंड नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा फर्स्ट पिक्चर था, इसमें हमने टू लेटर फिल किए थे, एक तो यहाँ पर ए और नीचे एल, तो ये हमने यहाँ पर दो फिल किए थे और हमारा दो वर्ड कंप्लीट हुआ था CAT कैट एंड APPLE एप्पल। तो ये सब बच्चे हमने आपको क्रॉसवर्ड कंप्लीट करा दिया है। जैसे मैंने फिल किया ऐसे आप भी अपने बुक में इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आपका नीचे एक्टिविटी क्या है। ये देखिए नीचे एक्टिविटी दिया गया है, राइट द आंसर्स 1 is done फॉर यू। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, आंसर देने हैं, मीन्स उत्तर देना है किसका, तो जो यहाँ पर लिखा गया है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे हमको समझाने के लिए दिया गया है, लिखा है 1 is done फॉर यू, एक आपके लिए कंप्लीट है या फिर एक आपको आपके लिए कंप्लीट किया गया है जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए जो फर्स्ट सेंटेंस में जो पहला है क्या लिखा है, FOR फॉर, क्या हो गया E for क्या होता है बच्चों, आप सब पढ़े हैं आप सबको पता होता है। तो E for elephant यहाँ तो लिखा ही गया है, तो E for कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर elephant लिखा है तो आप elephant लिखेंगे, जबकि ये पहला फिल किया गया है तो पहला आपको फिल करना ही नहीं है, आपको सेकंड से फिल करना है। तो जो जो आपको पता होगा, जिसकी स्पेलिंग आपको पता होगा आप वही लिखेंगे, J for क्या क्या होता है। तो आपको सिर्फ वन ही लिखना है, वन वर्ड ही लिखना है, एक शब्द ही लिखना है। तो आपको J for जग होता है और J for जिक भी होता है, बहुत सारे वर्ड होते हैं। तो जिसकी स्पेलिंग आपको अच्छे से लर्न होगा आप उसी की स्पेलिंग यहाँ पर लिखेंगे। ऐसे L for भी लिखेंगे, R for क्या होता है वो लिखेंगे, Z for क्या होता है वो लिखेंगे। और हाँ, जो आप स्पेलिंग यहाँ पर लिखेंगे आपको वो स्पेलिंग लर्न होनी चाहिए। ओके, आई होप आपको क्लास वर्क और होमवर्क दोनों अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।